The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। अब मेरठ वासी महिलाओं को इलाज के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ या फिर किसी और शहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरठ की महिलाओं को आज केएमसी कैंसर हॉस्पिटल की ओर से बड़ी सौगात मिली है। वो महिलाएं जो कैंसर या किसी अन्य रोग से जूझ रही हैं और किसी पुरुष डॉक्टर से इलाज नहीं कराना चाहती, उनके लिए शहर में आज मेरठ गायनाई कैंसर क्लिनिक की शुरुआत हो चुकी है। एमएस अंशुल बंसल की ओर से शुरू किया गया ये क्लिनिक सिर्फ महिलाओं के लिए है, जो कि छिपी टैंक वेस्टर्न कचहरी रोड पर स्थित है। क्लिनिक का उद्घाटन करने वाली डॉक्टर उषा शर्मा ने यह जानकारी दी। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरठ शहर के जितनी भी जनता थी उन सबको दिल्ली जाना पड़ता था, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए मेरठ में सुविधा उपलब्ध नहीं थी। परंतु मैं ये कहूंगी कि केएमसी सेंटर से जो डॉक्टर सुनील गुप्ता और डॉक्टर प्रतिभा ने शुरू किया था, उससे लोगों को बहुत राहत मिली थी। अब एक चीज जरूर थी कि बाकी कैंसर्स के लिए तो डॉक्टर्स थे, अंशुल की इस क्लिनिक से मेरठ की जनता को बहुत सुविधा उपलब्ध होगी। और मैं ये सोचती हूँ कि ये इस प्रकार से कार्य करती रही तो हमारे मेरठ की जनता को बहुत लाभदायक कैंसर है, वो उसकी इंसिडेंस जिसे कहते हैं ना, उनके मिलने की जो नंबर है बहुत बढ़ता जा रहा है, पर इंसिडेंस बढ़ने के साथ साथ हमारे पास डॉक्टर इतने नहीं बढ़ रहे थे। मेरठ का भी नहीं है, कोई इस तरीके की फीमेल कैंसर की कोई क्लिनिक नहीं है अलग से, इसीलिए उन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। लेकिन जानलेवा बीमारी होने के साथ साथ टोटली इसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं, इसलिए इन क्लिनिक्स की बहुत आवश्यकता है। सुनिए इस क्लिनिक की खासियत खुद वहाँ की ऑनर अंशुल बंसल से। डॉक्टर अंशुल बंसल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने मेरठ गायनिक कैंसर क्लिनिक की शुरुआत आज कर दी है। तो डॉक्टर अंशुल बंसल, फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने ये शुरुआत कैसे की, क्या आपके माइंड में चल रहा था कि आपने क्यों सोचा कि आपको अलग केएमसी के अलावा अलग से फीमेल के लिए गायनिक क्लिनिक ओपन करना चाहिए? एक्चुअली हम नॉर्मली ये देखते हैं कि फीमेल्स हमेशा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। एंड उनके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज, एंड किसी को बहुत एक्सेसिवली सफ़ेद पानी आ रहा है, पीरियड्स में उसको गड़बड़ी है, पेट में दुखन है या फिर गठान है या कुछ इस तरह के सिम्टम्स है, या फिर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब पीरियड्स के बीच में रक्त साफ का होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पेशेंट्स क्या उसको इग्नोर करती हैं और एक वो हिचकिचाती हैं, एक उनको सोशल टैबू रहता है कि मैं किसी से चीज़ डिस्कस ना करूँ, एंड बेसिकली दे डोंट वॉन्ट टू गो टू अ मेन डॉक्टर। तो इससे ये रहेगा कि वो डायरेक्टली मुझे आके अप्रोच कर सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि केवल ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हो, जैसे कुछ पेशेंट्स को इनिशियल स्टेजेस में ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लाइक स्लाइट वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इवन गर्ल्स को भी प्रॉब्लम्स रहती है कि स्लाइटली वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपना स्क्रीनिंग करवाएँ, अगर हम स्क्रीनिंग करें तो जैसे सर्वाइकल कैंसर है वो हम अर्ली स्टेजेस में सर्वाइकल स्क्रीन करके, एक पैप स्मेयर का टेस्ट होता है उसे स्क्रीन करके हम सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। कैंसर के साथ ये है कि जितना अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर पाते हैं उसका ट्रीटमेंट और अच्छा और इजी। वाइट डिस्चार्ज, यू मीन वाइट डिस्चार्ज क्या सिम्टम है कैंसर का? एक तरह सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम्स है अगर किसी को बहुत फाउल स्मेलिंग, बदबू वाला एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, इवन फैलोपियन ट्यूब कैंसर्स वगैरह इन सब में तो पेशेंट का एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी, थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल सारी फीमेल्स को होता है। अच्छा, तो आपने ये जो सोचा कि आपको अलग से एक गायनिक क्लिनिक ओपन करना चाहिए, तो आप केएमसी में भी कर सकती थी ना, कहाँ से आपके माइंड में? केवल एक्सेसिबिलिटी की बात होती है, अगर मैं किसी, जैसे दिस इज द कोर ऑफ द सिटी है ना, केवल एक्सेसिबिलिटी की बात होती है। अगर मुझे कहीं जाना, इफ आई हैव टू गो फॉर सम शॉपिंग, मैं मतलब मेडिकल थिंग इज नॉट रिलेटेड, लेकिन जो मेरे एक्सेसिबल होगा मैं वहाँ जाना प्रेफर करूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो सेटअप है ये बिल्कुल कोर है, सेंटर है। तो आई थिंक फीमेल्स को लाइक अगर उनको ज़्यादा अप्रोचेबल रहेगा वो आराम से वहाँ पे आ सकते हैं, मतलब ट्रैफिक और उस सबको देखते हुए आई थिंक फीमेल ज़्यादा अप्रोचेबल रहेगा। इसलिए हमने सोचा कि ये एक तरीके का परामर्श केंद्र रहेगा।
अच्छा, तो आप सिर्फ कैंसर से पीड़ित मरीजों को ही देखेंगे या फिर कोई भी फीमेल आपके पास आ सकती है अपनी कोई भी किसी भी तरह की समस्या लेकर? बेसिक प्रायोरिटी मेरा कैंसर से रिलेटेड ही है, लेकिन अगर कोई मुझे फीमेल्स अलग चीज़ों के लिए अलग प्रॉब्लम्स भी दिखाना चाहती तो वो दिखा सकती है। मेरा MS ऑप्शन नहीं कम्प्लीटेड है, तो अगर उनको और भी कुछ दिखानी है तो वो मिलेगी। सुनिए KMC के निदेशक सुनील गुप्ता ने इस नए क्लिनिक के बारे में क्या अहम जानकारी दी। समाज में जो स्त्रियां हैं या फीमेल पेशेंट्स हैं उनके अंदर एक थोड़ी झिझक रहती है किसी अलग जगह जाने में या अपनी प्रॉब्लम्स को बताने में, तो अगर फीमेल कैंसर स्पेशलिस्ट उनके साथ हो जो इस चीज़ की विशेषज्ञ है, जिसे केवल फीमेल कैंसर में ही विशेषता हासिल की है, तो ये उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा और वो बिल्कुल निसंकोच होके अपनी समस्या बताएगी और उसका निदान किया जाएगा। अच्छा, तो ये जो सुविधा आई KMC में अवेलेबल नहीं थी? नहीं, KMC में अवेलेबल थी, ये KMC में भी अवेलेबल है, लेकिन डॉक्टर अंशुल जो है वो KMC के अलावा शहर के बीच में इसलिए बैठी हैं कि जो लोगों को एक्सेस वहाँ पे थोड़ा दिक्कत थी वो यहाँ पे उनके लिए आसान हो जाए। जो भी पेशेंट का आगे का इलाज होगा वो सब KMC में करेंगे। ये परामर्श का केंद्र है, ये परामर्श और डायग्नोसिस बनाने का केंद्र है और इस पर रेगुलर स्क्रीनिंग कैंप लगेंगे। खासकर हमारा जो मोटिव है वो है सर्वाइकल कैंसर को पहचानना और उसको इरेडिकेट करना, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि लेडी उसको छुपा के रखती हैं या वो बता नहीं पाती हैं, उसकी डायग्नोसिस नहीं बन पाती है। जब वो लेट स्टेज में पहुँच जाता है तब वो इलाज के लायक नहीं रहता है, तो उसके लिए हमारा मेन मकसद है कि हम लोग कैंसर सर्विक्स के लिए या किसी भी और कैंसर के लिए फीमेल के स्क्रीनिंग कैंप लगाएंगे निःशुल्क। हर हफ्ते कैंप लगेगा ताकि जिन लोगों को ज़्यादा सा भी शक है वो आगे उस कैंप में दिखाएं और उनकी सही डायग्नोसिस बन जाएगी। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।